गुरुवार को पटनावासियों को बड़ा तोहफा मिला। आर ब्लॉक गोलंबर से जीपीओ गोलंबर तक बने फ्लाईओवर का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस फ्लाईओवर के निर्माण से पटना शहर के बड़े हिस्से को जाम से निजात मिलेगी। आर ब्लॉक गोलंबर से जीपीओ गोलंबर तक बने इस फ्लाईओवर की लंबाई करीब 729 मीटर है। इसका निर्माण 166.15 करोड़ की लागत से किया गया है। इस पुल के निर्माण से पश्चिमी पटना से पूर्वी पटना की तरफ जाने वाले लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग भी मिल गया है। पुल के लोकार्पण के मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधान पार्षद नवल किशोर यादव सहित कई लोग मौजूद थे। पुल का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में विकास का काम जारी रहेगा, योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से पटना शहर के बड़े हिस्से को जाम से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ राजेंद्र नगर और गांधी मैदान की तरफ जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। और हम लोग तो इसको देखेंगे बल्कि और जगह के लिए पहले से प्रस्तावित है, उस पर भी काम शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद। तो जो कुछ भी इनका डिजाइन अभी दिखाया वो भी हम जा करके देखेंगे, वो तो मेरा काम नहीं रहता। तो इसके लिए तो पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी को, इनके अधिकारियों को, सारे इंजीनियर्स को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। ये काम हो गया और लोगों को कितनी सुविधा होगी। यहाँ से सीधे कोई गांधी मैदान जाना चाहेगा तो कितना कम समय पहुँचेगा, इस एरिया से निकल करके कोई अगर कृपाबाग जाना चाहेगा तो कितनी सुविधा। तो इस तरह से तो देख ही रहे, हम लोगों का काम तो विकास का ही है, सब लोगों को सहूलियत हो इसी में हम लोगों की दिलचस्पी रहती है और इसी काम को लगाए रखते हैं। जब भी कोई काम हम लोगों ने शुरू से ही किया है तो ये एक महसूस करते हुए इसके लिए और क्या विशेष तौर पर करना चाहिए उसके लिए देख करके फिर उसका अध्ययन कराते हैं, उसका डिजाइन तैयार होता है, उसको स्वीकृति मिलती है और फिर काम होता है। तो आप देख रहे हैं कि पटना का दृश्य कोई पटना छोड़ करके पहले बाहर गया है और लौट करके वर्षों के बाद पटना में आता है तो उसको तो आश्चर्य होता है कि भाई कैसा कैसा जगह, कितना फ्लाईओवर बना हुआ है, कैसी चीज़ें पटना में बन गई। अगर आप देख रहे हैं कि पटना की आबादी कितनी बढ़ती जा रही है और कितने लोग यहाँ सुविधा हो गई है, इसलिए यहाँ का व्यापार भी बढ़ा है और लोगों का घर कितना बना, तो सब कुछ तो हुआ ही और उसके पीछे यही कारण है कि और इसके आगे भी जहाँ जहाँ जरूरी है उस काम के लिए हम लोग सब प्रयास कर आप सब लोग भी आ गए उसको देखने के लिए। इसके लिए आप सब